मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हम आज इकाइनोडर्मेटा फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है हम एनिमल किंगडम के अंदर नॉन कॉर्डेट्स स्टडी कर रहे हैं और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकोड एब्सेंट होती है, जिसके अंदर मैंने आपको 9 फाइलम बताए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोरीफेरा अप टू द इकाइनोडर्मेटा। तो आज हम नॉन कॉर्डेटा की यानी इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो बेटा इकाइनोडर्मेटा के टर्म है वो एक साइंटिस्ट थे, जैकलिन नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने इकाइनोडर्मेटा के टर्म दी थी। एंड हाउ मेनी स्पीसीज इंक्लूड इन द इकाइनोडर्मेटा, दैट इज 6000 स्पीसीज आर द लिविंग स्पीसीज एंड अप्रोक्सीमेटली 13000 स्पीसीज आर किसी स्पीसीज होती है भाई, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो हमारे इस फाइलम के अंदर आती है। इस फाइलम के अंदर बहुत सारे तो पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और इसके साथ साथ में इट ऑल्सो कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी प्रिमिटिव एज वेल एज एडवांस्ड करेक्टर, एडवांस्ड और प्रिमिटिव करेक्टर का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर मिलेंगे हम। जब हम इकाइनोडर्मेटा के करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले इसके फीचर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स में इफ यू टॉक अबाउट द हैबिटेट, तो आपको पता है हैबिटेट में दे ऑल आर एक्वेटिक एंड एक्वेटिक में मेनली दे आर मैराइन इन नेचर, मैराइन नेचर के होते हैं। यूनिक चीज़ क्या आती है बेटा, यूनिक आती है यहाँ पे इसकी सिमेट्री के बारे में। यहाँ पे एक यूनिक करेक्टर होगा इसकी सिमेट्री के रिगार्डिंग कि अगर हम इसके लार्वा को देखें देन इट्स लार्वा कंटेन बाईलेटरल सिमेट्री, बट अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा कंटेन रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी भाई, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल में भी बेटा कौन सी रेडियल, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, इसमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होगी। अगर आप लोग इकाइनोडर्मेटा का उसमें स्टारफिश का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा तो इस तरीके से उसकी 5 आर्म होती हैं, समवॉट लाइक दिस। तो आप देखो हम इस स्टारफिश को इन इस तरीके से अगर हम 5 पार्ट्स में कट करते हैं, 5 लाइंस जो इसके सेंटर से पास हो रही है वो इसको इक्वली हाफ में कट कर देंगे, तो इस टाइप की सिमेट्री जो है उसको हम नाम देते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। इससे पहले मैंने आपको बताया था सीलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में दो ऐसे फाइलम थे जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री थी, उसके बाद सारे के सारे फाइलम में बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, ठीक है भाई। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कैसा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर जर्म लेयर देखें देन दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब इट कंटेन 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों की तीनों जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे आप खास देखेंगे इसमें यूनिक करेक्टर एक और सीलोम में, किसमें बेटा सीलोम में। देखो इससे पहले हमने देखा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, तीनों के अंदर ट्रू सीलोम होगा, बट एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क में स्काइजो सीलोम होगा, जबकि आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो उसके अंदर हीमोसीलोम होगा। बट यहाँ पे दे हैव द सीलोम सिमिलर टू द कॉर्डेट, वो कौन सा होता है भाई, एंटेरोसीलोम। यहाँ पे कौन सा होगा, एंटेरोसीलोम होगा, एंटेरोसीलोमेट होते हैं ये। और इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके सिमिलर होता है, ये इसका कॉर्डेटा के सिमिलर होगा, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि इकाइनोडर्मेटा है वो एक टाइप के एडवांस्ड इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कॉर्डेटा से भी मिल रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं अबाउट इट्स बॉडी फॉर्म। नेक्स्ट वन इज इट्स बॉडी फॉर्म, तो इसकी बॉडी की शेप मे बी ग्लोबुलर, मे बी सर्कुलर, मे बी स्टार शेप, बॉडी मे बी ग्लोबुलर, बॉडी मे बी सर्कुलर, बॉडी मे बी स्टार शेप एंड बॉडी मे बी एलोंगेटेड, ठीक है, एंड मे बी एलोंगेटेड। शेप कोई भी हो सकती है बट बॉडी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अनसेगमेंटेड, कैसी होगी, अनसेगमेंटेड होगी एंड हेडलेस, देयर विल बी नो सेफलाइजेशन। दिस इज अगेन इट्स यूनिक कैरेक्टर,
कि इनके अंदर हेड अब्सेंट होते हैं। ये बात थी इसके नेक्स्ट कैरेक्टर बॉडी फॉर्म में। बॉडी फॉर्म के अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे बॉडी सरफेस के बारे में। बॉडी सरफेस में आप एक खास बात क्या देखते हैं कि इसकी बॉडी एक्सटर्नली स्पाइन से कवर्ड होती है, जो इसमें किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। बॉडी एक्सटर्नली कवर्ड बाय स्पाइंस, एक्सटर्नली कवर्ड बाय स्पाइंस एंड दीज स्पाइंस हेल्प इन लोकोमोशन एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पाइंस, इन्हीं स्पाइंस के कारण ही हमने इनको क्या नाम दिया भाई, इकाइनोडर्मेटा। आप देखेंगे इसका मीनिंग सुनेंगे, इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, इकाइनो वर्ड किससे आया, हेजहॉग से, हेजहॉग से इकाइनो वर्ड आया। डर्मेटा वर्ड से क्या आया, स्किन, और एटा वर्ड से क्या आया, ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप के एनिमल जिनकी स्किन के ऊपर हेजहॉग मींस समवॉट लाइक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, इनके पास में 5 रेडिएटिंग ग्रुप, इसमें एक यूनिक करेक्टर होता है बेटा, एक यूनिक इसमें सिस्टम होगा जिसको हम नाम देते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। ये एम्बुलेक्रल सिस्टम अगेन इट्स पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स में मिलता है। ये क्या होती हैं, दिस इज 5 रेडिएटिंग ग्रुप कॉल्ड एम्बुलेक्रा, कॉल्ड एम्बुलेक्रा। ये बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वाटर की एंट्री होती है। देखेंगे आप, एक बार मैंने आपको बताया कि जो स्टार फिश है वो 5 आर्म्ड होती है, उसमें क्या होगा, एक ऊपर मैड्रिपोराइट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसके थ्रू वाटर एंटर करता है। इसमें से वाटर एंटर करने के बाद वाटर है वो इसमें 5 आर्म्स होती हैं, कितनी आर्म होती हैं, 5 आर्म होती हैं, और उन 5 आर्म्स में क्या चला जाता है, ये वाटर जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे इन हर एक आर्म के पास में ऐसे छोटे छोटे ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं ट्यूब फिट, जो इसमें एक तरीके से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये मैड्रिपोराइट में पोर होते हैं, इसके थ्रू वाटर ने एंट्री ली, वाटर इन रेडियल कैनाल्स के पास आया, इन्हीं कैनाल से होता हुआ वो इन रेडियल कैनाल में गया वाटर, रेडियल कैनाल से इन ट्यूब फिट के पास वाटर आया, और इस तरीके से ये एक सिस्टम ऑपरेट करता है। ये 5 रेडिएटिंग ग्रुप का जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड एम्बुलेक्रल सिस्टम। क्या नाम देते हैं इसको, एम्बुलेक्रल सिस्टम नाम देते हैं। और इसी सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो कई बार क्वेश्चन आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम का यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होगा, तो वो किसका होता है बेटा, वो इकाइनोडर्मेट्स का होता है। इसमें ये इसके एंड पे ट्यूब फिट प्रेजेंट होंगे, और ये ट्यूब फिट इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का काम करेंगे। दिस इज अगेन इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। तो एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट होना, जिसमें वाटर किसके थ्रू एंट्री लेता है, ये स्ट्रक्चर जिसको क्या नाम दिया है, मैड्रिपोराइट, दिस इज नोन एज मैड्रिपोराइट। ठीक है, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होगा, इकाइनोडर्मेटा में होगा। अगेन वी कैन से दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद अगर हम बॉडी वॉल देखें, अगर हम इकाइनोडर्मेट्स में बॉडी वॉल डिस्कस करते हैं, तो इसकी जो एक्सटर्नल आउटर लेयर होगी जिसमें कोलुमिनार शेप की सेल होगी, जो सिंगल लेयर होती है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी होती है, इट्स आउटर सिंगल लेयर विच इज मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर सेल। जो कौन सी सेल से मिलके बनी होती है भाई, कोल्यूमिनर शेप की सेल से मिलके बनी होती है। इसी के नीचे, डर्मिस के ही नीचे दूसरी जो लेयर होगी, सॉरी एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर, देन इट इज नोन एज डर्मिस लेयर, जिसमें कैलकेरियस ओसिकल्स होते हैं। कैलकेरियस ओसिकल्स,
बेटा कैलकेरियस ऑसिकल्स किसके बने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की। जहाँ पे भी आपको कैलकेरियस वर्ड दिख जाए दैट मीन्स कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बात कर रहे हैं। और एक होती है इसमें मस्कुलर लेयर, कौन सी लेयर, मस्कुलर लेयर, जिसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलती हैं, वो मस्कुलर लेयर की फॉर्मेशन करते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, तो ये बात इसके एक्सटर्नली बॉडी वॉल की। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, एंडोस्केलेटन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डर में इसमें क्या बताया, कैलकेरियस ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और यही कैलकेरियस प्लेट्स हैं जो डर्मल ओसिकल्स होते हैं, ये इसका एंडोस्केलेटन फॉर्म करती हैं। और ये कहाँ से अराइज करती हैं, मीजोड्रम से। तो हम क्या कह सकते हैं, एंडोस्केलेटन इज मीजोड्रमल इन ओरिजन, की मीजोड्रम से अराइज करेगी एंड विच इज मेड अप ऑफ द कैलकेरियस डर्मल ओसिकल, बिकॉज वो डर्मिस लेयर के अंदर होती है। तो किसका बना होता है, एंडोस्केलेटन कैलकेरियस डर्मल ओसिकल्स, ये क्या करेंगे इसके एंडोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। इसके बाद हम अपने सिस्टम्स पे आते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, उन सब के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा आप लोगों को पता है अब तक आते आते हमने सारे जिस जैसे कि पीछे हमने से पहले मोलस्क पढ़ा, मोलस्क से पहले हमने स्टडी किया था आर्थ्रोपोडा, सबके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी, कंप्लीट। और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है कि उसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बेटा कैसी एलिमेंट्री कैनाल होगी, कंप्लीट होगी एंड स्ट्रेट या क्वाइल एलिमेंट्री कैनाल होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल है, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार इज ऑल्सो ए काइनोडर्मिक। ब्रिटल स्टार के अंदर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो यहाँ पे ये आप एक्सेप्शन याद रखेंगे, ब्रिटल स्टार में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन, सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन यहाँ पे सेम आर्थ्रोपोड और मोलस्क की तरह होगा, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होगा भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स कि इसमें ब्लड केविटी के अंदर फ्लो करता है, हीमल या लेक्युलर सिस्टम जिसे कहते हैं, हीमल और लेक्युलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे अब्सेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं रेस्पायर कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू वो रेस्पायर करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होगा यहाँ पे, जैसे कि डर्मल ब्रैंकिया जो स्टार फिश में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डर्मल ब्रैंकिया विच इज फाउंड इन द स्टार फिश। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन स्टार फिश रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज डर्मल ब्रैंकिया या फिर जनरल बॉडी सरफेस या फिर गिल्स या फिर दूसरे उसमें एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बेटा पेरिस्टोमियल गिल्स होते हैं, जेनाइटल बर्सा होते हैं और किसी किसी में क्लोइकल रेस्पिरेशन भी होता है। इसमें एक दूसरा मैं बताती हूँ, पेरिस्टोमियल गिल्स, इनके थ्रू भी रेस्पिरेशन होगा। लेकिन इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो सी अर्चिन, सी अर्चिन में पेरिस्टोमियल गिल्स के थ्रू है। एक और आता है जेनाइटल बर्सा, ब्रिटल स्टार, जो अभी मैंने इसमें ये बताया था कि इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इस ब्रिटल स्टार के अंदर किसके थ्रू होगा, जेनाइटल बर्सा के थ्रू। जेनाइटल रीजन्स के पास में स्ट्रक्चर होंगे जिनमें जो रेस्पिरेशन में मेनली हेल्प करेंगे, इसका एग्जाम्पल है ब्रिटल स्टार। और कुछ एक केसेस के अंदर एक यूनिक रेस्पिरेशन होगा क्लोएकल रीजन से, क्लोएकल रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, और ये किस में होता है, इसकी क्लास होती है, उस सब में क्लोएकल रीजन से रेस्पिरेशन होगा होलोथ्यूरियंस। जब मैं आपको इकाइनोडर्मेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी तो वहाँ पे इसकी होलोथ्यूरियडी एक क्लास है, उसके अंदर इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए बेटा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, जर्नल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा। एंड एज वी ऑल नो इकाइनोडर्मेट्स आर एक्वेटिक, तो जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होते हैं
वो यूजुअली यूजुअली अमोनोटेलिक मिलते हैं, दैट मीन्स उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, सर्कमफेरियंजल रिंग और रेडियल नर्व कोर, ठीक है। इसमें अगर हम नर्वस सिस्टम में बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्कमफेरियंजल रिंग एंड नर्व कोर, ये इसमें किसके काम करेंगे, नर्वस सिस्टम का। लेकिन सेंस ऑर्गन बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं, सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। यहाँ पे बेटा एक लास्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होगा, दैट मीन्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। मोस्टली दे आर ओवीपेरस, मोस्टली मतलब एग ले करते हैं, मैक्सिममली दे आर ओवीपेरस, बट कुछ एक फॉर्म इसकी वीवीपेरस भी होते हैं, मतलब वो यंग वन को भी ले करती हैं। लार्वा इसमें जनरली प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन डाइप्लूरला लार्वा होगा, बट लार्वा क्लास वाइज अलग अलग बता देंगे, यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होगा बट कौन कौन सा लार्वा होता है वो इसके अलग अलग क्लास में मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी थोड़ी देर में जब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अब एक यूनिक फिनोमिना सुनेंगे जिसका नाम है ओटोटोमी। ओटोटोमी में क्या होता है बच्चे कि जो स्टारफिश है वो अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मान लो ये स्टारफिश है और स्टारफिश को कोई प्रीडेटर पकड़ लेता है तो ये अपनी एक आर्म को छोड़ देती है, लूज कर देती है कि ले जावे, और बाद में इसी आर्म को दोबारा से रीग्रो कर लेती है बाय द रीजेनरेशन पावर। रीजेनरेशन पावर से रीग्रो कर लेते हैं, इस कंप्लीट फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, दिस होल फिनोमिना इज नोन एज ऑटोटोमी। तो ऑटोटोमी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि लूजिंग वन ऑफ इट्स बॉडी ऑर्गन इन सेल्फ डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस में किसी भी बॉडी ऑर्गन को लूज करना एंड अगेन रीग्रो, और इसको फिर से रीग्रो कर लेना बाय रीजेनरेशन पावर। कौन सी पावर से, रीजेनरेशन पावर से रीग्रो कर लेना, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑटोटोमी। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं भाई, ऑटोटोमी। ऐसा ही एक और फिनोमिना भी होता है इसके अंदर जिसका नाम है ई विसरेशन। कौन सा, ई विसरेशन। ई विसरेशन में क्या होगा कि प्रीडेटर को डराने के लिए ये ऑर्गेनिज्म अपने सारे के सारे विसरल ऑर्गन को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, और जब वो प्रीडेटर चला जाए उसको डर जाए वो इस चीज से तो दोबारा से उसको इंगल्फ कर दे। दिस फिनोमिना इज नोन एज ई विसरेशन। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे बच्चा, दिस फिनोमिना इज नोन एज ई विसरेशन। और ई विसरेशन यूजुअली आपको किस में देखने को मिलेगा भाई, सी कुकुम्बर के अंदर, कुकुमेरिया जिसे हम कहते हैं, कुकुमेरिया के अंदर आपको ई विसरेशन देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम डिस्कस करते हैं, आप क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। तो बेटा अब हम देखेंगे इकाइनोडर्मेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है कि इकाइनोडर्मेट्स की मेनली फाइव क्लासेज हैं। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोइडी, सेकेंड वन इज ऑफ्यूरोइडी, थर्ड वन इज इकाइनोइडी, फोर्थ वन इज होलोथ्यूरोइडी एंड फिफ्थ वन इज क्राइनोइडी, ठीक है, क्रिनोइडी। ये फाइव क्लासेज हैं इकाइनोडर्मेट्स की, जिसमें आप एग्जाम्पल देखें तो स्टारफिश किसमें आती है, एस्ट्रोइडी में आती है, इसके साथ में एस्टेरियस बीसी में आता है, ऑफ्यूरोइडी में ब्रिटल स्टार आता है, इकाइनोइडी के अंदर इसमें बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इकाइनस, और लिथ्यूरोइडी में कुकुमेरिया जिसको सी कुकुमर भी कहते हैं, अभी मैंने ये विश्लेषण बताया था इसमें, और क्रैनोइडी के अंदर एंटीडोन, एंटीडोन का जनरल नाम हम सी लीली भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आप बताएंगे कि लार्वा कौन कौन से बनते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, दैट मीन्स कि मैं लार्वा की फॉर्मेशन होगी, तो क्लास वाइज बता देते कि कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से लार्वा बनेंगे। बहुत ही कॉमन लार्वा आते हैं तो बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश में बनता है, और एक ब्रैकियोल एरिया, ये भी एस्टेरॉइड में होगा। ब्रिटल स्टार का लार्वा होगा ओफियोप्लूटस,
इकाइनोप्लूटस लार्वा इकाइनस का होगा। आप नाम से भी क्लियरली याद रख सकते हैं कि देखो इकाइनोइडी, इकाइनस और इकाइनोप्लूटस तीनों सिमिलर सी बातें हैं, ठीक है। कुकुमेरिया के अंदर एग्जाम्पल आता है, लार्वा आता है ओरिकुलेरिया एंड डोलिलोरिया, ठीक है, और डोलिलोरिया ही क्राइनोइडी के अंदर होगा। तो जनरली जो लार्वा से क्वेश्चन आते हैं वो एक तो बाइपिनेरिया या डोलिलेरिया आता है या फिर इकाइनोप्लूटस। इकाइनोप्लूटस और ओफियोप्लूटस को आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि इकाइनोइडी में इकाइनोप्लूटस और ओफियोरोइडी के अंदर ओफियोप्लूटस नाम का लार्वा होगा। इसके अलावा बेटा जो एस्ट्रोइडी क्लास होती है इसमें रीजेनरेशन की पावर भी होगी, इसमें रीजेनरेशन एंड ऑटोटोमी जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वो दोनों पावर इस एस्ट्रोइडी क्लास के अंदर होती है। जो ओफियोरोइडी क्लास होती है इसमें माउथ और मेड्रिपोराइट तो प्रेजेंट होंगे बट एनस अब्सेंट होगा, इसमें माउथ होगा और मेड्रिपोराइट। मेड्रिपोराइट आपको पता ही है जिसके थ्रू वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर एंट्री लेता है, ये दोनों तो प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पे क्या नहीं होता है, एनस, एनस यहाँ पे अब्सेंट होगा। इकाइनोडी क्लास का एक यूनिक करेक्टर क्या होता है कि यहाँ पे एक यूनिक मेस्टिकेटिंग ऑर्गन होगा जिसका नाम होता है एरिस्टोटल लैंटर्न। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न ऑर्गन किसमें प्रेजेंट होगा, इकाइनोडर्मेटा में, और ये किस काम आता है, ये मेस्टिकेटिंग ऑर्गन है, फूड को चीव करने में काम आता है। और होलीथ्यूरोडी जो क्लास है इसकी यूनिक चीज़ क्या है कि इसमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा, क्लोएकल रेस्पिरेशन होगा और इसमें स्पाइंस अब्सेंट होंगे। क्या होंगे भाई, स्पाइंस तो अब्सेंट होंगे और क्लोएकल इसमें रेस्पिरेशन होता है। ये यूनिक करेक्टर है होलोथ्यूरोडी का। और क्राइनोइडी के अंदर भाई माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट होंगे और इसमें ऑटोटोमी और रीजेनरेशन भी देखने को मिलेगी। ये सबसे इसकी मोस्ट एडवांस क्लास है, माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है, इसमें रीजेनरेशन भी होगी और इसमें ऑटोटोमी भी होगी। ये किसके करेक्टर आते हैं, क्राइनोइडी। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द इकाइनोडर्मेटा, कि हमने इकाइनोडर्मेटा में एग्जांपल्स पढ़े, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स इनके अलावा भी बहुत सारे आते हैं बट मोस्ट कॉमन जो मैंने पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको स्टडी करवा दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।